और जो बजट स्पीच है आपकी और जो जनता को वादे किए, जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है, तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था आपने? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप, वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अभी चरण कौन से, ये बता दें हमें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।